किसी ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों रह सकते हैं और उनकी स्पिन अपोजिट ही क्यों होनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है बताइयो। आज हम क्या पढ़ेंगे? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक है ये मैंने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या आपका डेफिनेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड क्या होगा आपका डेरिवेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आप ये कहोगे कि भाई पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का डेरिवेशन करने की क्या ज़रूरत है? अमूमन मैं आपको बताऊं भैया, आपको कंपटीशन के लिए डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बारी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है भाई, समझे बात। और उसके ऊपर आपको भाई जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनके डेरिवेशन आपको नहीं करने लेकिन वो जो इसके ऊपर बेस्ड है। बात आपको पहले पड़ी? ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ना बताइए आज? पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपने भाई सिंपल सिस्टम कौन से थे आपके? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सारे क्या थे? सिंपल सिस्टम्स। तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो आप ये बताएं कि एटम्स में पहला कॉम्प्लेक्स सिस्टम कौन सा होएगा? बताओ, एटम्स में पहला कॉम्प्लेक्स सिस्टम कौन सा होएगा? हीलियम एटम। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये तो पता है कि भाई जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो कौन, अरे भाई जो वेव फंक्शंस होते हैं, आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस के आपको स्टेट्स पता है ना? अरे भाई साई 100 जिसको 1s बोलते हैं, साई 200 जिसको 2s बोलते हैं, पता होगा ना आपको भाई? साई 210 जिसको क्या बोलते हैं? 2pz बोलते हैं, इजंट इट। लेकिन वहां पर जो जितने भी ऑर्बिटल्स थे, चाहे आपका 1s था, 2s था, 2px था, 2py था, 2pz था, सब में कौन रहता था? एक सिंगल। वो सब किसके लिए रिजर्व्ड थी भाई? सभी स्टेट्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। वो एक इलेक्ट्रॉन ही उन डिफरेंट स्टेट्स को कुपाई, वो उनमें भाई पहुंच सकता था। ठीक है, लेकिन वो क्या हो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तब आप वेव फंक्शन कैसे लिखोगे? भाई आपके सामने सवाल तो आएगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का तो वेव फंक्शन आपको लिखना आ गया। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज सॉल्व करने पर आपको भाई एक इलेक्ट्रॉन वाले सभी सिस्टम्स का आपको वेव फंक्शन लिखना आया कि नहीं आया भाई? पक्का आ गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तब भाई वो कैसे भरने होते हैं, समझो। आप कहते ना भाई एक ऑर्बिटल में क्या हम क्या कर देंगे भाई? एक स्टेट में दो भर देंगे। आपको ना वहां पर तो क्या था? साई 100 में एक ही था। अब आप कहोगे भाई कि साई 100 में क्या जाएंगे? एक से ज्यादा आ जाएंगे ना भाई? कितने आ जाएंगे? दो, इजंट इट। अरे बोलो भाई। ठीक है, हम बोलेंगे साई 100 स्क्वेयर, या हम क्या बोलेंगे इसको? साई मतलब स्क्वेयर का मतलब यहां पर इसका फंक्शन का स्क्वेयर नहीं है, इसका मतलब कि इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s 2 जिसको बोलते हैं। बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन भाई हमने ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो भरे, पहली बात तो हमने दो इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, समझे बात। दूसरी बात, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन ही क्यों होती है, इनकी सेम स्पिन क्यों नहीं होती? तो भाई एक रूल, एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं पाउली प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको? उसको भाई डब्ल्यू पाउलिंग ने प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने इसको भाई जो पहला मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता उसके ऊपर उन्होंने भाई देखो क्वांटम मैकेनिकली ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं फर्मीसोन्स, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं? वैलिड। और एक होते हैं बोसोन्स, उनके लिए बताओ सिर्फ क्या होते हैं? सिमेट्रिक वेव फंक्शंस ही क्या होते हैं? वैलिड। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको भाई डेफिनेशन ऑफ पाउली प्रिंसिपल बताओ क्या होता है डेफिनेशन। सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या होती है पाउली प्रिंसिपल की भाई? क्योंकि आज हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की शुरुआत करनी एक तरह से, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हीलियम एटम। लेकिन उससे पहले आप ये बताओ भाई, तो उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का तो आपको वेव फंक्शन लिखना आ गया, दो इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम का आप वेव फंक्शन कैसे लिखोगे भाई? तो दो इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम का वेव फंक्शन लिखने के लिए भाई आपने पाउली प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पाउली प्रिंसिपल क्या बोलता है? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। कि भाई एक ऑर्बिटल में, यानी एक एक जो स्टेट है हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन स्पीशीज,
जो आपने भाई सॉल्व करके और आपने वहां से क्या निकाले थे, ऑर्बिटल्स आपने तैयार की थी ना वहां पर जो क्वांटम स्टेट थी। तो एक क्वांटम स्टेट को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स, समझे बात। और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। ये आपका होता है पाओली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी भी और भी कई डेफिनेशन होती हैं, इसकी भी और भी कई कई क्या होती हैं डेफिनेशन होती हैं। एक डेफिनेशन ये होती है कि किसी क्वांटम स्टेट में, क्या किसी भी क्वांटम स्टेट के लिए दो फर्मिसोन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। किसी भी क्वांटम स्टेट में दो फर्मिसोन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है बात। और एक डेफिनेशन ये होती है पाउली प्रिंसिपल की, भाई तीन डेफिनेशन होगी ये बताओ। विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल बोसोन्स द टोटल वेव फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक, एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू आइडेंटिकल फर्मिसोन्स द टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटीसिमेट्रिक। अगर आप दो फर्मिसोन्स क्या करते हो एक्सचेंज, दो आइडेंटिकल फर्मिसोन्स के लिए वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? एंटीसिमेट्रिक। और दो आइडेंटिकल बोसोन्स के केस में वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। तो आपको हो गया भाई बोसोन्स और फर्मिसोन्स क्या होते हैं, जो फर्मी डायराक स्टेटिस्टिक्स फॉलो करें उसे क्या बोलते हैं? फर्मिसोन। और जो बोस आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स फॉलो करें उसे क्या बोलते हैं? बोसोन्स, ठीक है बात। तो मैं आपको बताऊं भाई बोसोन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिन जो फर्मिसोन्स होते हैं, सॉरी फर्मी नहीं बल्कि फर्मियोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको भाई? फर्मियोन्स, ठीक है। तो फर्मियोन्स हैं उनकी बताओ क्या होती है भाई? अरे भाई फर्मियोन्स की क्या बोलते हैं स्पिन क्या होती है? जिनकी स्पिन क्या बताओ? अगर स्पिन क्या बताओ भाई? हाफ, 3/2, 5/2, तो बताओ क्या होंगे ये फर्मियोन्स, ठीक है। और अगर बताओ स्पिन क्या है, अगर स्पिन बताओ क्या है भाई? ये होते हैं फर्मियोन्स, लेकिन मुझे वो याद तो रखी है बोसोन और फर्मिसोन कहने की बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। तो बताओ स्पिन क्या होती है, तो फर्मियोन सी क्या होती है? हाफ, 3/2, 5/2 एंड सोन, यानी हाफ इंटीग्रल क्या होती है स्पिन इसकी होती है। और बोसोन्स की स्पिन क्या होती है? और बोसोन्स की ये तो है फर्मिसोन्स की स्पिन, फर्मियोन्स की, और बोसोन्स की स्पिन क्या होती है बताओ भाई? बोलो भाई 0, 1, 2, नहीं समझे बात, 3, 4 एंड सोन, ये क्या होते हैं आपके बोसोन्स, ठीक है बात। नहीं समझे बात आप? तो आप यहाँ पर देखो भाई कि जो डेफिनेशन ऑफ पाउली प्रिंसिपल है, मतलब क्या कहता है ये? द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू और मोर आइडेंटिकल फर्मियोन्स पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन कैन नॉट इनहैबिट सेम क्वांटम स्टेट विद इन सेम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कॉन्करेंटली। बात आपको पहले पड़ गई भाई? मतलब दो, अरे भाई सेम क्वांटम स्टेट एक साथ हो एग्जिस्ट नहीं कर सकते भाई। अगर जो हमारे पास का दो आइडेंटिकल क्या है? फर्मियोन्स। अरे भाई सेम क्वांटम स्टेट, सेम क्वांटम मैकेनिक सिस्टम में कॉन्करेंटली मतलब क्या है? कि दोनों बिल्कुल एक से हो। मैंने बोला था ना कि सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं रख सकते भाई, वो उसमें रहेंगे तो उनका रहने का तरीका क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अलग, बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से वो एक स्टेट में नहीं रह सकते। तो ये होता भाई, ओके। आप ये भी कह सकते हो भाई कि दो, अरे भाई दो फर्मियोन्स किसी क्वांटम स्टेट में सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं रख सकते, ठीक है बात। और बताओ फिर क्या है? अरे बोलो भाई फिर क्या है? अल्टरनेटिवली द टोटल, ये बात आपको नहीं पली पड़ी क्या भाई? आप ये भी कह सकते हो क्योंकि क्वांटम स्टेट क्वांटम नंबर से क्या होती है? डिफाइन होती है। तो ये भी ठीक है कि दो दो भाई क्या बोलते हैं सेम क्वांटम स्टेट को अटेन नहीं कर सकते, दो फर्मियोन्स कभी भी सेम क्वांटम स्टेट को अटेन नहीं कर सकते भाई। सेम क्वांटम से एक क्वांटम सिस्टम की सेम क्वांटम स्टेट में दोनों कभी भी नहीं पहुंच सकते। उनकी क्वांटम स्टेट क्या होनी चाहिए? स्लाइटली उनकी क्वांटम स्टेट डिफरेंट होनी ही होनी चाहिए भाई, समझे बात। अगर जैसे भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वहां पर अगर क्या है, अगर एन एल्स एम सेम होगा तो एस क्या होना चाहिए उनका? डिफरेंट। बात आपको पहले पड़ी? और बताओ क्या होती है इसकी, बताओ भाई और क्या होता है? द टोटल वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स शुड बी एंटी सिमेट्रिक फॉर फर्मियोन्स एंड सिमेट्रिक फॉर बोसोन्स। एक डेफिनेशन ये होती है भाई, ठीक है। इसको आप कैसे समझो कि पहले बताओ सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन से होते हैं और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन से होते हैं। अगर को मैं बोलूं भाई कि ये फंक्शन दो पार्टिकल्स के एक्सचेंज के लिए क्या है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई फंक्शन मान लिया जैसे, अच्छा वो ध्यान रखो, अगर एक यहाँ पर कुछ रूल्स और आप याद रखो, ठीक है। अगर आपने सिमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई किया सिमेट्रिक से, पता कैसा आएगा? सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक से
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी क्या आएगा, आप इसे माइनस प्लस से कंसीडर कर सकते हो। देखो जैसे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस प्लस माइनस भी माइनस, और माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी उसी तरीके से सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होता है, मल्टीप्लाई सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, बहुत आपको पहले पड़ गई। अब हम कहते हैं, मैंने बोला ना कि बोसोन के केस में, बोसोन्स के केस में फंक्शन कैसा होना चाहिए, अरे भाई दो आइडेंटिकल बोसोन का एक्सचेंज करना है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। दो आइडेंटिकल बोसोन से क्या करना है, एक्सचेंज, सॉरी फर्मियन से करना, तो क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक। सिर्फ यही फंक्शंस क्या होते हैं, अलाउड। ये क्वांटम मैकेनिकल में प्रूव किया गया है, इसी बात को यूज करते हुए, इसी बात को इस्तेमाल करते हुए भाई पावली ने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में क्या आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो पहले आप देखो भाई सिमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, आपको पता तो है ना वैसे भाई सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन तो आपको पता है सिमेट्रिक कैसा होता है, अरे भाई अरे सनी जीरा डे जीरा डे इस टाइप से भाई, इजंट इट। तो सिमिलर बात है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं ये कह लिया मेरे पास कोई फंक्शन है, मेरे पास कोई फंक्शन, मैं कहूँ भाई फाइव वन वन एंड फाइव टू टू, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फाइव वन वन फाइव टू टू प्लस, फिर मैं कहूँ फाइव वन टू एंड फाइव टू वन, ये भाई दो बेसिस फंक्शन मेरे पास कोई फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ ये फंक्शन सिमेट्रिक है। कैसे, आप एक काम करो दोनों पार्टिकल्स को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, इन दोनों पार्टिकल्स को क्या करो भाई, एक्सचेंज कर दो, तो बताओ फिर क्या बनता है। तो यहाँ पर बताओ क्या बने मेरे पास, उसको बोलूँगा साई है ना मेरे पास, ये फिर क्या बोलूँगा साई ई, साई का मतलब क्या है, आफ्टर एक्सचेंज, साई ई। बताओ इनको आप एक्सचेंज करिए, इनको बताओ क्या जाएगा, फाइव वन टू और फाइव टू में क्या चला गया, वन, अरे इनको आपस में एक्सचेंज कर दो, प्लस में क्या आ गया, फाइव वन वन फाइव टू टू। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये वाला और ये वाला, इसमें देखो फाइव वन वन फाइव टू टू प्लस की है, फाइव वन वन फाइव टू टू प्लस की है, फाइव वन टू फाइव टू वन प्लस की है, फाइव वन टू फाइव टू वन प्लस की है। मतलब वह अंतर क्या है, ये टर्म यहाँ पहले लिखी हुई, यहाँ पर कहाँ लिखी हुई है, बाद में जो है बाद में, वो यहाँ पर क्या लिखी हुई है पहले, बाकी दोनों टर्म्स के यहाँ पर भी ये टर्म क्या पॉजिटिव है, ये टर्म यहाँ पॉजिटिव है, ये टर्म यहाँ पॉजिटिव, ये टर्म यहाँ पॉजिटिव है। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर साई ई क्या है, बताओ साई ई किसके बराबर है, आफ्टर एक्सचेंज जो फंक्शन बना है, इन दोनों पार्टिकल्स के एक्सचेंज के बाद जो क्या बना है फंक्शन, क्या वो, अरे भाई इन दोनों पार्टिकल्स के एक्सचेंज के बाद जो फंक्शन बना है, क्या वो इस फंक्शन के सेम नहीं है क्या, तो हम क्या बोलेंगे साई ई एग्जैक्टली इक्वल टू साई। तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ, क्या ये फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे साई इज सिमेट्रिक। यानी कि अगर एक्सचेंज करने के बाद भी फंक्शन क्या रहे, बिल्कुल सेम रहे, तो हम क्या बोलेंगे इसको भाई, ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर क्या लेता भाई, नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता भाई, नेगेटिव लेता, अब एक काम करो अब दोनों पार्टिकल्स का एक्सचेंज करो, ये बन गया, इन दोनों का एक्सचेंज करो, ये बन गया, लेकिन बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना भाई। तो आप ये देखो फाइव वन वन फाइव टू टू कहाँ है, यहाँ पर फाइव वन वन फाइव टू टू, अंतर क्या है, यहाँ ये टर्म पॉजिटिव, यहाँ ये टर्म क्या है, नेगेटिव, एंड फाइव वन टू फाइव टू वन यहाँ क्या है, नेगेटिव, लेकिन फाइव वन टू फाइव टू वन यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो जो टर्म यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ नेगेटिव है, जो टर्म यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो मुझे भाई अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव, चलो इसका काम करो, इसको मुझे इसके बराबर बनाना हो तो मुझे टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड। अरे बोलो भाई। तो बताओ क्या हो गया, अब देखो अरे भाई फाइव वन टू फाइव टू वन पॉजिटिव, फाइव वन टू फाइव टू वन पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन आपने देखा भाई साई ई किसके बराबर है, माइनस, अरे भाई साई ई किसके बराबर है, माइनस साई के बराबर है, इजंट इट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि क्या है, एंटीसिमेट्रिक, बहुत आपको पहले पड़ गई, ये क्या हमारे पास एंटीसिमेट्रिक। यानी अगर दो पार्टिकल्स अगर सॉरी गोद, तो अब बताओ बात आपको पहले पड़ी,
कि अगर दो पार्टिकल्स का एक्सचेंज करने पर, यानी अगर फर्मी सोन अब क्या करें एक्सचेंज, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए हमारे पास, एंटीसिमेट्रिक। अब थोड़ा आपको आइडिया हुआ कि एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, नहीं बात आपको पहले पढ़ी, और बोसोन्स के एक्सचेंज के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए फंक्शन, सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमको पता सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ओके, मिटा दें इसको भी अब। तो ये क्या भाई डेफिनेशन है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ठीक है, कि दो फर्मियोन्स से एक क्वांटम सिस्टम की एक ही क्वांटम स्टेट को कभी अटेन, दो फर्मियोन्स एक क्वांटम सिस्टम की एक ही स्टेट को कभी अटेन नहीं कर सकते। समझ गए बात, मतलब वो दो कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रखेंगे, पहला रूल। नहीं अरे एक डेफिनेशन होगी भाई, और एक क्या होगा तुम्हारे पास बताओ, बोसोन्स के एक्सचेंज के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, और दो आइडेंटिकल फर्मियोन्स के लिए क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक। और एक हमारी वो तो है ही भाई, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट हैव अ पॉजिटिव स्पिन। तो ये भाई क्या है डेफिनेशन। अब इसका प्रूफ कहाँ है क्या भाई, अब इसका प्रूफ कहाँ है भाई इसका, कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो भाई आप एक तो भाई आप एक ठीक ठीक तो भाई आप एक दो इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कंसिडर कर ही ले, आप एक दो इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम भाई कंसिडर कर ही ले, बताओ कौन सा है। आप हीली मान सकते हो ना भाई, चलो फिलहाल मत मानो, फिलहाल आप ही मानो भाई कि दो इलेक्ट्रॉन है और वो अलग अलग स्टेट के अंदर, बताओ किसमें, फाई वन और फाई टू में। आप ही मानो भाई हमारे पास, हम एक टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं क्या। और भाई आप क्या क्या कंसिडर कर रहे हो, आप एक टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है बात, ये मानो पहले इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, फाई वन, और दूसरे क्या है, फाई टू। ये तो क्या है पहले का वेव फंक्शन, और दूसरा क्या है, मतलब हमने एक टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर कर लिया और पहले इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, फाई वन, और दूसरा फंक्शन क्या है भाई, फाई टू। ठीक है, तो आप तो मतलब पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, फाई वन ऑर्बिटल में, दूसरा कहाँ रहता है, फाई टू ऑर्बिटल में। ठीक है बात, फाई टू स्टेट में रहता है। तो आप टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखोगे, बोलो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, तो टोटल वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, टोटल वेव फंक्शन मेरे पास क्या है, इन दोनों की मल्टी, उसको मैंने क्या बोल दिया बताओ भाई, बताओ उसको मैंने बोल दिया फाई, इसमें बोल दिया साई वन टू। हमने यहाँ पर सिंबल क्या यूज किए, हम यूज कर लेंगे ना, हाँ चलो इसको मैंने क्या बोल दिया, साई वन टू। तो साई वन टू क्या हुआ, फाई वन वन एंड फाई टू टू। इसको आप ऐसे मानो, मान लिया बोलो भाई एक रूम है, ठीक है, दो लड़के हैं अंजू और मंजू, या भाई नहीं सीता और गीता, अपने नाम सुना होगा ना। ठीक है, तो आप ये बताएं कि मान लिया यहाँ पर भाई दो लड़के हैं सीता और गीता। ठीक है, तो आप ये मानो कि चलो आप अंजू मंजू, इनको क्या बोल देते हैं, अंजू मंजू बोल देते हैं। ठीक है ना, तो एक अंजू और एक कौन है, मंजू है। अब आप ये बताएं उनका बिल्कुल वो जुड़वा है, हम शक्ल हैं भाई, जैसे चालबाज मूवी के अंदर है वो बिल्कुल क्या है, हम शक्ल हैं, और उन्होंने सेम उन्होंने ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, तो ये मानो कि भाई ऊपर से सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनके ऊपर भाई नज़र रखने को बोला गया है। ठीक है, जो सिक्योरिटी है उसको बोला गया, उसको भाई अपन के ऊपर आप नज़र रखो। तो आप उनको क्या बोला भाई कि सिक्योरिटी कैमरा से अपन के ऊपर नज़र रखो। तो अगर वो वन बाई वन उस रूम के अंदर एंट्री करती हैं कि पहले उसके अंदर कौन आए, अंजू, और फिर कौन आए, मंजू, और उनको ये बता दिया जाए कि भैया जो पहले आई है तो कौन है, अंजू, और जो बाद में आई है ये कौन है, मंजू है। तो कोई भाई, और एक गार्ड को ये बोल दे कि तुमने भाई कॉन्स्टेंटली किसको देखना है, अंजू को, यानी कि तुमने भाई कम से कम एक लड़की ऊपर भाई हमेशा नज़र बनाए रखनी है, नहीं समझे बात भाई, उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करना है। तो अगर उनको पता, अगर भाई एक उस गार्ड को पता है, ठीक है, मान लो दो गार्ड बैठे हैं भाई, तो एक गार्ड किसके ऊपर नजर रख रहा है, अंजू के ऊपर, दूसरा भाई मंजू के ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है, तो उससे पूछे कि अंजू कौन सी है। अब मान लो पुलिस आके पूछे उनसे भाई सीसीटीवी कैमरा में कि इन दोनों में से अंजू कौन सी, तो वो सही बताएंगे बिल्कुल, वो गार्ड क्या बताएंगे, भाई ये अंजू, और ये कौन सी है,
उनका आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक होएगा ना, इजंट इट। लेकिन अब ये मान लिया, अब इसमें क्वांटम मैकेनिकल ही रहना शुरू कर दें, ये दोनों लड़के इसमें कैसे रहना शुरू कर दें? क्वांटम मैकेनिकली। क्वांटम मैकेनिकली मतलब बोलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन जैसा भी शो करना शुरू कर दें कि मतलब जो अंजू है वो भी क्या हो जाए यहाँ से गायब, और क्या होने लग जाए भाई, अपीयर एंड डिसअपीयर, अपीयर एंड, अरे से भाई ना तो हम क्या बनाते क्लाउड, अपीयर एंड डिसअपीयर विद मल्टी एग्जिस्टेंस। कुछ समय के लिए आप मल्टी एग्जिस्टेंस भूल जाओ, सिर्फ क्या मानो भाई अंजू क्या हो रही है यहाँ से, क्या अपीयर, सॉरी डिसअपीयर, अपीयर होगी दूसरी जगह पे, फिर वहाँ से डिसअपीयर अलग जगह पे, अपीयर डिसअपीयर, अपीयर डिसअपीयर, बात आपको पहले पड़ रही है तो वो समझे बात। सिमिलरली क्या है, अब मंजू भी क्या कर रही है यहाँ पर भाई, ऐसे नहीं जैसे अरे भूत गायब होते हैं और क्या होते हैं प्रकट होते हैं, बस आपको पहले पड़ी। अब कोई पूछे उस गार्ड से या पुलिस पूछे भाई, अब वो दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं इस रूम के अंदर, क्या हो रही हैं, अंजू और मंजू लगातार क्या हो रही है, अपीयर एंड डिसअपीयर। ठीक है, अब अंजू का फंक्शन क्या है, अब कोई गार्ड से पूछे ठीक है वो तो अंजू कौन सी है, तो भाई उसका आंसर सही भी हो सकता है, उसका आंसर भाई उसका आंसर ये भी हो सकता है कि वो अंजू क्या बोल दे अंजू, और मंजू क्या बोल दे मंजू, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है, मतलब आपको अब ऐसा फंक्शन चाहिए जो इन दोनों के रहने के तरीके को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो एक आंसर तो क्या होगा, तो अगर पुलिस गार्ड से पूछे इनमें से अंजू कौन सी मंजू कौन सी, तो क्या बोल, तो क्या हो सकता है भाई, एक तो उसका आंसर सही हो, वो अंजू को अंजू बोल दे, मंजू को मंजू बोल दे, जिसे यहाँ पर है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल दें कि फाइव वन क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन पहला कहाँ फाइव वन में, दूसरा दूसरा कहाँ है भाई फाइव टू में, नहीं मतलब आपको पहले पड़े भाई, यानी कि मैंने अंजू को क्या बोल दिया मैंने, अरे ये तो क्या है अंजू, और ये क्या इसका वेव फंक्शन, ये क्या मंजू, ये क्या इसका वेव फंक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, अंजू को हम अंजू बोल दें, मंजू को हम मंजू बोल दें, इजंट इट। लेकिन क्या इक्वली आपका आंसर उल्टा भी तो सकता है भाई, क्योंकि अब वो उसके अंदर भाई वो गायब हो रही है और प्रकट हो रही है, अपीयर एंड डिसअपीयर, तो एक के ऊपर आप कॉन्स्टेंटली उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे ना, तो आपको क्या पता किसी पॉइंट पे जो अपीयर हुई है वो अंजू की मंजू है, तो आंसर आपका उल्टा भी हो सकता है। गार्ड क्या बोल सकता है, अंजू को मंजू बोल सकता है और मंजू को अंजू, जितना आप आंसर ये ठीक है उतना ही आंसर हमारा कौन सा ठीक हुआ, फाइव टू वन, यानी कि फाइव वन टू, यानी कि मंजू क्या बोल दिया अंजू, और भाई बोलो मंजू को बोल दिया अंजू, और अंजू को बोल दिया मंजू, बात आपको पहले पड़ गई भाई, अंजू मंजू, अरे बोलो भाई। ठीक है, तो ये तो कौन सा, ये तो क्या भाई, अंजू को अंजू और मंजू को मंजू बोलना, और ये क्या है मंजू को अंजू बोलना, अंजू को मंजू बोलना, यानी कि भाई फाइव वन वन में फाइव टू टू में, फाइव फाइव टू वन में फाइव वन टू में, दोनों पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास भाई, तो ना तो ये ठीक और ना ये ठीक, क्योंकि देखो जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, उसमें सारी प्रोबेबिलिटी, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूडेड होनी चाहिए भाई, नहीं समझे बात। तो अगर मान लिया क्या बोलते हैं भाई, पुलिस ने पूछा भाई, तो एक गार्ड ने जवाब दिया कि ये है अंजू मंजू, इजंट इट, अरे एक तरह का आंसर ये दिया, वो आंसर क्या दिखता है, अंजू को अंजू, मंजू को मंजू, दूसरा गार्ड उससे उल्टा आंसर भी तो उल्टा आंसर भी तो क्या सकता है दे सकता है, इजंट इट। तो उन तो पहले गार्ड का आंसर सही भी हो सकता है और भाई गलत भी हो सकता है, सिमिलर बात क्या दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर पुलिस उन गार्ड से पूछे अंजू कौन सी मंजू कौन सी है, अब एक क्या कह दे, ये अंजू है ये मंजू है, दूसरा उससे उल्टा आंसर दे दे, दोनों मतलब एक साथ आंसर दे दे वही, तब तो वो ये पुलिस ये नहीं कह सकते ना भी तुमने हमें गलत आंसर दिया है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर पुलिस ये बोले, अगर मान लिया गार्ड गलती से क्या बोल दे, गार्ड गलती से क्या बोल दे अंजू को मंजू और मंजू को अंजू बोल दे, कल को फिर पुलिस को पता लगे भाई कि इसने उल्टा आंसर दिया था, तो पुलिस उसको पिटेगी नहीं क्या, इजंट इट। लेकिन अगर गार्ड क्या बोल दे, कह दे भाई तू अंजू को तू मैं जो आंसर दूँ तू उसे उल्टा आंसर दिए, तो फिर पुलिस कभी हमको ये ब्लेम नहीं कर सकती कि इन गार्ड्स ने हमको गलत आंसर दिया, बात आपको पहले पड़ी। ये वैसा ही है, आप अगर मान लियो एग्जाम में चारों ऑप्शन पे ठीक लगाया आंसर, तो भाई आपका आंसर तो ठीक है ही, नहीं मतलब कोई नहीं कह सकता कि आपने सही गोला नहीं भरा, आपने सही गोला जरूर भरा, भाई आपने चारों गोले भर दिए, बात आपको पहले पड़ रही है। तो कंप्लीट आंसर कौन सा होगा जिसमें सारी पॉसिबिलिटी हो, मतलब कोई ये कह ही ना सके कि भाई
क्या बोलते, ये भाई आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता था, बताओ क्या होगा। तो इन दोनों का आप क्या करो, लीनियर कॉम्बिनेशन, बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई। तो इन क्या करो आप, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। यहाँ पर मैंने कौन सा सिंबल यूज किया इसके लिए, मेरे ख्याल से साई ए, और सॉरी हाँ साई ए और अरे मैं सेम सिंबल भी ना, ठीक है। एक तो बताओ क्या हो जाएगा, साई प्लस और एक साई माइनस, कैसे भाई बताओ। अरे बोलो भाई, एक तो इन दोनों का क्या करूँ, एड, एक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो गया साई वन टू प्लस साई टू वन, और एक क्या हो जाएगा साई वन टू माइनस साई टू वन, ठीक है बात। तो बताओ, तो आंसर ना ये दो ना ये दो, इन दोनों क्या करो लीनियरली कंबाइन, क्या हो गया तो फाइव वन वन फाइव टू टू प्लस फाइव वन टू फाइव टू वन, एक आंसर तो हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, इसमें दोनों आंसर है, इसमें अंजू को अंजू और मंजू को मंजू तो है ही आंसर, इसमें अंजू को मंजू और मंजू को अंजू आंसर भी है, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही भाई, ठीक है ना। तो पुलिस कभी नहीं कह सकती कि तुमने आंसर नहीं बताया, वो एक गार्ड बोल पेगा मैंने तो तुम्हें सही आंसर बताया था, दूसरा बोल क्या बोल दिया फिर भाई, बात आपको पहले पढ़ रही है। सिमिलरली बताओ फिर क्या हो जाएगा, फाइव वन नहीं फाइव वन वन, अरे फाइव वन टू, फाइव वन वन फाइव टू टू माइनस फाइव वन टू फाइव टू वन, हमारे पास ये आ गया ना भाई, तो साई प्लस एंड साई माइनस, ठीक है। अब आप ये देखो कि तो ये भी आंसर अपने आप में क्या, कंप्लीट, ये आंसर अपने आप में क्या भाई, कंप्लीट। इसमें भी क्या है, इसमें भी अंजू को अंजू और मंजू को मंजू बोला गया है, और अंजू को मंजू और मंजू को अंजू ही बोला गया है, सिमिलर बात उसमें, लेकिन ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है तो मैं इसको मैं बोल दूं भाई एस ए, इसमें क्या बोल दूं भाई सिमेट्रिक, और माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है भाई ये क्या मतलब, वो तो बताओ भाई, एंटी सिमेट्रिक, नहीं आएगा आपको ये सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, ओके। तो भाई मेरे पास दो फंक्शन तैयार हो गए, ठीक है। अब सिमिलर बात, तो मेरे पास तो इनको बोलते हैं स्पेशियल फंक्शन, क्या बोलते हैं इनको, स्पेस पार्ट, क्योंकि भाई ये फंक्शन भी क्या बता रहा है, ये उस रूम के अंदर अंजू और मंजू के रहने के तरीके को बता, इसको हम क्या बोलते हैं स्पेस पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशियल फंक्शन। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ भाई कि यहाँ पर जो ये अंजू और मंजू थी ना, ये सिर्फ इसमें अपीयर और डिसअपीयर ना हो रही है, अलग अलग जगह पे ये क्या कर रही है, ये साथ में शक्तिमान की तरह स्पिन भी कर रही है, क्या मतलब, जब अंजू कहीं प्रकट होती है तो ऐसे नहीं घूमते हुए क्या होती है प्रकट, और जब मंजू कहीं प्रकट होती है वो भी क्या होती है भाई, घूमते हुए क्या होती है प्रकट, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि भाई, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, तो आप ये बताओ यहां पर भाई कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बोलो भाई। अरे भाई मतलब इसके अंदर क्या है, एक तो बताओ क्या हो सकता है भाई, अब हो सकता है दोनों क्या हो, मतलब इसके अंदर अंजू और मंजू, पहले बताओ मैंने स्पेस पार्ट मैंने कितने बना लिए, अंजू और मंजू के इस रूम में रहने के तरीकों को मैंने कितने फंक्शन से दिखा दिया, दो फंक्शन से, इनको मैं ऊपर लिख दूं भाई, तो इसको अभी तो फिलहाल इनको यहीं पर लिखा रहने देते हैं, ठीक है ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो साथ में वहां पर घूम भी रही हैं, ऐसे स्पिन कर रही हैं, समझ गए बात, अंजू जब क्या होती है प्रकट, घूमते प्रकट होती है, मंजू जब क्या होती है प्रकट, घूमते प्रकट होती है, समझे बात। तो अगर अब आपने लिख लिया स्पिन फंक्शन, ये क्या आपके स्पेस फंक्शन, अब लिखो आप स्पिन फंक्शन, तो अगर दोनों ही क्या घूम रही क्लॉकवाइज, इसलिए नहीं अभी आपको पता गांव में एक गेम होता है तो उसको बोलते हैं ताता पानी शेड़ा पानी, है ना, ऐसे घूमते हैं, पता होगा ना आपको भाई, ठीक है, उसमें भैया ऐसे ऐसे घूमते होते हैं, इजंट इट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो अगर मान लिया इसमें इस रूम के अंदर जो मंजू है वो भी जब घूमती है, जब घूमते घूमते प्रकट होती है, तो क्लॉकवाइज घूम रही मंजू भी, और अंजू भी कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमने को बोलूंगा मैं अल्फा, आप समझ गए ना, ये अप स्पिन और डाउन स्पिन हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मंजू क्या कर रही है क्लॉकवाइज घूम रही, तो क्या है अल्फा, मतलब तो अगर मान लिया मंजू भी क्या घूम रही है क्लॉकवाइज, और अंजू भी क्या घूम रही है क्लॉकवाइज, मतलब दोनों ही क्या है अल्फा अल्फा, नहीं समझे बात भाई। तो कोई ये कहे भाई, तो कोई
गार्ड तो एक गार्ड ये बोले तो पुलिस पूछे भाई ये कैसे घूम रही है। मान लिया पुलिस फोन पे पूछती गार्ड से कि बताओ भाई अंजू कैसे घूम रही है, मंजू कैसे घूम रही है, तो पहला गार्ड क्या आंसर देगा, अंजू घूम रही है क्लॉकवाइज और मंजू घूम रही है क्लॉकवाइज, भाई दोनों क्या घूम रही है क्लॉकवाइज। तो क्या बोलेगा भाई पहला गार्ड, अंजू घूम रही क्लॉकवाइज दूसरा और मंजू घूम रही क्लॉकवाइज। दूसरा गार्ड क्या बोलेगा फिर कि इसे क्या पता, इसे नहीं पता मंजू घूम रही है क्लॉकवाइज और अंजू घूम रही क्लॉकवाइज, जब वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उनके आंसर डिफरेंट हो ही नहीं सकते भाई, नहीं समझे बात। पहला गार्ड क्या बोलेगा, ये क्लॉकवाइज घूमने वाली अंजू है और ये क्लॉकवाइज घूमने वाली मंजू है, मतलब पहला गार्ड क्या बोलेगा अंजू क्लॉकवाइज घूम रही है, मंजू क्लॉकवाइज घूम रही है। दूसरा क्या बोलेगा, ना मंजू क्लॉकवाइज घूम रही है, अंजू क्लॉकवाइज घूम रही है। अरे जो दोनों क्लॉकवाइज घूम रही है तो आप कैसे बोलो बात को भाई, नहीं समझे मेरी बात। ये वैसा ही है ना, एक बारी एक भाई एक जोक भी है, एक बार दो बह रहे थे ठीक है भाई, समझो बात अपने रहने में सब भाई जोक है ठीक है। तो एक बोला बोला अरे बहादुरगढ़ जा था के, दूसरा बोला ना रहे एक बारी बहादुरगढ़ से जाऊँ था, बोले अच्छा मन सोची बहादुरगढ़ जा है बता। अरे बात है क्या, बात क्या करें, वो सेमी तो बात करें तो सिमिलरली जब अगर दोनों क्या घूम रहे क्लॉकवाइज तो कैसे बोलो, हम ये बोले मंजू क्लॉकवाइज अंजू क्लॉकवाइज या फिर क्या बोले अंजू क्लॉकवाइज मंजू क्लॉकवाइज, दोनों बात क्या भाई सेम है। तो पहला स्पिन फंक्शन क्या होता है यहां पर भाई, दोनों पॉसिबिलिटी अलग नहीं है ना। अरे भाई मैं कहूं अल्फा वन अल्फा टू, मैं कहूं ना अल्फा टू अल्फा, नहीं भाई दोनों पॉसिबिलिटी क्या है सेम है, ये अलग नहीं है। इसका मतलब क्या भाई, इन्हें आपको लीनियरली कंबाइन हमेशा याद रखो, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या करनी पड़ती है लीनियरली कंबाइन, सेम पॉसिबिलिटी को भी लीनियरली कंबाइन नहीं करनी पड़ती भाई। तो बताओ पहला स्पिन फंक्शन क्या है मेरे पास, इसको मैंने बोल दिया साई ए, इसे मैंने क्या बोल दिया साई ए ठीक है बाबू। तो क्या है मेरे पास अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू, ये पहली पॉसिबिलिटी भाई, पहला स्पिन फंक्शन ही हो गया भाई। और बताओ क्या पॉसिबिलिटी उन्हें घूमने की, और उनके घूमने की भाई क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, अंजू कैसे घूमे एंटी क्लॉकवाइज और मंजू कैसे घूमती भाई एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या घूमती अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला गाड़ी कहेगा कि अंजू घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, अंजू घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा बोलेगा ना 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 मंजू घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, मंजू घूम रही है एंटी, दोनों आंसर क्या बिल्कुल सेम है इजंट इट। तो तब भी पॉसिबिलिटी अलग अलग नहीं है ना, तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी तो एक ही आंसर में दोनों ही क्या है, एक ही आंसर दोनों आंसर है। तो क्या हमारे पास, तो साई बी। अगला स्पिन फंक्शन क्या पॉसिबल है, बीटा वन बीटा टू, पंगा तब शुरू होता है अगर इसके अंदर एक घूम रही हो क्लॉकवाइज और एक क्या घूम रही हो एंटी क्लॉकवाइज, एक घूम रही हो क्लॉकवाइज एक क्या घूम रही हो भाई एंटी क्लॉकवाइज। तो एक गार्ड तो क्या बोल सकता है कि अंजू घूम रही है क्लॉकवाइज और भाई मंजू घूम रही है, अरे भाई अंजू घूम रही है क्लॉकवाइज और मंजू घूम रही है अंजू क्लॉकवाइज मंजू एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या बोल सकता है ना कि भाई क्लॉकवाइज कौन घूम रही है मंजू और एंटी क्लॉकवाइज कौन घूम रही है, बोले तो क्या बोले भाई पहला क्या है अपस्पिन दूसरा डाउन स्पिन, ना बोले ना दूसरा क्या है अपस्पिन पहला क्या है डाउन स्पिन, नहीं बताओ आपको पहले भाई ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम नहीं है। एक तो क्या कह रहा है मंजू क्लॉकवाइज सॉरी अंजू क्लॉकवाइज मंजू एंटी क्लॉकवाइज, ये मंजू क्या बोल रहे हैं क्लॉकवाइज और अंजू को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आंसर सेम है क्या, पहले ने अंजू क्या बोला है क्लॉकवाइज दूसरे ने मंजू क्या बोला है, दोनों आंसर क्या भाई डिफरेंट, वो उल्टे आंसर दे सकते हैं ना। पुलिस उनसे पूछे कि मंजू कैसे घूम रही है, पहला बोलेगा जी मंजू घूम रही है क्लॉकवाइज अंजू घूम एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा बोलेगा ना ना इसने उसको नहीं पता मंजू घूम रही है क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और अंजू घूम रही है, उनके उल्टे आंसर हो सकते हैं ना भाई। तो ओवरऑल आंसर ना ये और ना ये है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो ओवरऑल आंसर यहाँ तो कैसे आएगा इन दोनों को लीनियरली कंबाइन करने पर इजंट इट, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी इन दोनों को, फिर आप क्या करो लीनियरली कंबाइन करो, बताओ क्या है हमारे पास, उसे में क्या बोलो साई सी एंड साई डी बोलो फिर इनको मैं ठीक है साई सी एंड साई डी। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को क्या करो ऐड करो, क्या करो सब्ट्रैक्ट, बताओ क्या है मेरे पास बोलो भाई, अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन, या फिर अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, इजंट इट।
तो ये बताओ मेरे पास क्या आगे, बोलो भाई, स्पिन फंक्शंस। तो ये चार तो क्या है? अरे भाई, उस क्वांटम सिस्टम में जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या बता रहे हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का तरीका, उनके घूमने के भाई कितने कितने तरीके पॉसिबल हैं, दो इलेक्ट्रॉन से घूमने कितने तरीके पॉसिबल है, चार तरीके। ये रहा एक तो, एक तो कौन सा है, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है, पहला क्लॉकवाइज, सॉरी पहला क्या है, दोनों क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा क्या है, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, चौथा क्या है, पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, लेकिन देखा तीसरा और चौथा पूरे पूरे नहीं है, पहला और दूसरा क्या है, पूरे हैं, कंप्लीट है भाई, तीसरा और चौथा कंप्लीट तरीके नहीं है ना, तो इन्हें कंबाइन करके दोनों ही क्या बनाओ तरीके, धीरे धीरे कंबाइन करके, ये वाला और ये वाला, बात आपको पहले पड़ गई। तो मेरे पास क्या है, चार स्पिन फंक्शन, दो मेरे पास क्या है, स्पेस फंक्शन। बोलो भाई, तो ये फंक्शन तो क्या बता रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के इस रूम को ऑक्यूपाई करने का तरीका, सॉरी सीता और गीता के इस रूम में रहने का तरीका, और ये क्या बता रहे हैं, चार सीता और गीता के इस रूम में स्पिन करने का तरीका, ओवरऑल स्पिन तरीका, समझे बात। तो ओवरऑल फंक्शन अब कैसे आएगा भाई, ओवरऑल फंक्शन सब कुछ होना चाहिए, स्पेस पार्ट भी और स्पिन पार्ट भी होना चाहिए, इजंट इट। तो बताऊँ क्या करूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही ना। अरे बोलो भाई, ठीक है, तो मुझे अब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि ये अकेले सिर्फ क्या बता रहे हैं, सीता और गीता की कलेक्टिवली घूमने का तरीका, ये क्या बता रहे हैं, सीता और गीता के कलेक्टिवली यहां पर रहने का तरीका, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जो घूमने का तरीका ही बताए और इस रूम में रहने का तरीका ही बताए, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए भाई जो दोनों तरीके बताए भाई, स्पेस फंक्शन भी और मुझे स्पेस में रहने का तरीका भी और घूमने का तरीका, ऐसा फंक्शन चाहिए भाई, वो हम कैसे मालूम करें, इन दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई, क्या भाई। तो बताओ यहां पर हमारे पास कितने फंक्शन पॉसिबल हैं, मैं बोलूंगा पांच आठ फंक्शन, साई वन, क्या भाई, आठ फंक्शन हमारे पास पॉसिबल, बताओ कौन से। मैं इस साई एस को, किससे भाई, साई एस को भाई मैं कहूं स्पेस फंक्शन तो ये है, और मैं कहूं स्पिन फंक्शन ये है, मैं कहूं सीता और गीता के रहने का तरीका तो कौन सा है, ये वाला, और घूमने का कौन सा है, ये वाला, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी भाई, और बताओ, रहने का तरीका ये है, घूमने का ये है, रहने का ये है, घूमने का ये है, रहने का ये है, स्पिन करने का ये है। तो बताओ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं कितने कंप्लीट फंक्शन तैयार कर सकता हूँ, चार फंक्शंस। सिमिलरली इसको इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करके मैं कितने फंक्शंस तैयार कर सकता हूँ, नहीं भाई आपको, अब बताओ भाई, ये आपको ये क्या है, आपने क्लासेस आपने बंक कर रखी ना, इसीलिए ये तो क्या आ गया आपके पास, ये चार फंक्शन क्या है, उस क्वांटम सिस्टम में आपने क्या कंसिडर कर रखा है, दो इलेक्ट्रॉन वाला आपने सिस्टम कंसिडर कर रखा होगा, इजंट इट। तो ये तो क्या बता रहा है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन करने के तरीके, ये क्या बता रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के रहने का तरीका, स्पेस में रहने का तरीका, बता आपको पहले पड़ गई। तो मुझे फंक्शन वो चाहिए जो कि भाई क्या ये तरीका स्पिन करने को बताता है, क्या ये तरीका स्पेस में रहने को बताता है, मुझे तो तरीका सा, मुझे तो फंक्शन वो चाहिए ना जो दोनों तरीके बताए, रहने का तरीका भी और घूमने का तरीका भी, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, ये क्या है स्पिन फंक्शन, ये क्या है स्पेस फंक्शन, टोटल फंक्शन कैसे आता है, स्पेस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई स्पिन फंक्शन, क्या। तो अगर आपके पास स्पेस स्पिन फंक्शन चार है, स्पेस फंक्शन आपके पास दो है, तो टोटल फंक्शन कितने बन सकते हैं, आठ, कैसे भाई। अरे भाई इस स्पेस फंक्शन को इन चार से मल्टीप्लाई कर दो, चार हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ स्पिन फंक्शन, तो पहला पहला कंप्लीट फंक्शन कैसे आएगा, बताओ भाई, पहला कंप्लीट फंक्शन बताओ कैसे आएगा, फर्स्ट कंप्लीट फंक्शन बताओ कैसे आएगा, हम क्या बोलेंगे कि साई एस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे भाई साई एस को साई ए से, ठीक है ना बात। अरे बोलो भाई, फिर तो साई टू क्या आएगा, साई टू, साई एस को, साई एस को भाई साई बी से, और साई थ्री क्या आएगा, साई एस को साई सी से, साई फोर क्या आएगा, साई एस को साई डी से, इजंट इट। तो चार तो ये हो गए, और बताओ कौन से हमारे पास, साई ए को इन चारों से, किससे भाई, अरे साई फाइव क्या आएगा, अब
साई ए को, नहीं सॉरी ये अरे साई ए है, अरे इसको जो इसको भाई स्मॉल ए और अरे स्मॉल ए स्मॉल एस और स्मॉल ए, अरे भाई एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बताओ आपको पहले पड़ गई। तो साई ए को साई ए से बताओ फिर साई सिक्स क्या आएगा, साई ए को साई बी से, और साई सेवन क्या आएगा साई सी से, और साई एट क्या आएगा साई डी से। बोलो भाई तो मेरे पास बताओ टोटल मेरे पास कितने फंक्शन पॉसिबल है, 8 फंक्शंस, इजंट इट। इसकी मल्टीप्लाई इससे 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 इससे, चार फंक्शन बन गए। इसकी मल्टीप्लाई इससे 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 इससे, मेरे पास क्या चार फंक्शन, इजंट इट। अब आप एक बार इनका नेचर चेक करो, इन फंक्शंस का आप एक बार क्या चेक करो नेचर, बताओ इन चारों फंक्शंस का नेचर क्या है। ये तो क्या है सिमेट्रिक, और ये क्या है एंटी सिमेट्रिक, ये क्या भाई, अरे भाई ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है एंटी सिमेट्रिक, ये क्या है बताओ एंटी सिमेट्रिक। साइड ही क्या है एंटी सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है। तो तीन स्पिन फंक्शन, चार स्पिन फंक्शन में से पहले तीन स्पिन फंक्शन क्या है सिमेट्रिक, और चौथा स्पिन फंक्शन क्या है एंटी सिमेट्रिक, और दो स्पेस फंक्शन में से पहला स्पेस फंक्शन क्या है सिमेट्रिक, दूसरा स्पेस फंक्शन क्या है एंटी सिमेट्रिक। ठीक है तो बताओ भाई ये सिमेट्रिक है ना, ये तो सिमेट्रिक ही है। तो सिमेट्रिक इनटू साई ए, साई ए कैसा है, बल्कि भाई मैंने मैंने शायद यहाँ पर कुछ और ये ले रखे क्या सिंबल, अरे मैंने अच्छा मैंने ये बना दिए साई अल्फा अल्फा साई बीटा बीटा, नहीं 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 अरे अरे बना रखे मैंने, हाँ ये साई एस स्पिन फंक्शन। अरे बोलो भाई देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये अरे साई स्पिन वन साई स्पिन टू साई स्पिन थ्री, अरे यहाँ पर मैंने यहाँ पर भाई लगा के सब्सक्रिप्ट, मैंने यहाँ पर कैपिटल ए बी सी डी नहीं लिए चारों स्पिन फंक्शन को दिखाने के लिए, फिर मैंने कैपिटल ए बी सी डी यूज नहीं किया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है स्पिन फंक्शन वन स्पिन फंक्शन टू स्पिन फंक्शन थ्री स्पिन फंक्शन फोर हो गया ना हमारे पास ये। अरे बोलो भाई और ये क्या है स्पेशल फंक्शन वन स्पेशल फंक्शन टू, अरे भाई मेरे पास क्या आ गया दो तो क्या आ गए मेरे पास स्पेशल फंक्शन, और चार मेरे पास क्या आ गए स्पिन फंक्शन। अब क्या करना आपने पहले स्पेशल फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो स्पिन फंक्शन से। ठीक है बताओ क्या आ गया मेरे पास, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई। ठीक है तो देखो ये क्या है सिमेट्रिक, अरे भाई ये क्या है ये तो क्या कर रहा है सिमेट्रिक है, और साई ए साई बी साई सी और साई सी क्या है सिमेट्रिक, तो यहाँ पर बताओ मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर क्या सिमेट्रिक की मल्टीप्लाई किससे है सिमेट्रिक से, आंसर क्या आएगा सिमेट्रिक, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे है सिमेट्रिक की सिमेट्रिक से, आंसर आएगा सिमेट्रिक, यहाँ पर क्या है सिमेट्रिक की सिमेट्रिक से सिमेट्रिक, यहाँ पर क्या है साई एस तो क्या है सिमेट्रिक, लेकिन साई डी क्या है एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पर क्या भाई सिमेट्रिक की मल्टीप्लाई है एंटी सिमेट्रिक से, पता होगा आपको भाई, बताओ क्या है मेरे पास एंटी सिमेट्रिक इजंट इट। ओ तो यहाँ बताओ क्या है एंटी सिमेट्रिक, और ये साई ए क्या है, अब साई ए क्या है भाई सिमेट्रिक नहीं, हाँ सॉरी एंटी सिमेट्रिक, और साई ए क्या है सिमेट्रिक, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, अरे भाई एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, बताओ क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक, अरे सॉरी एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक, यहाँ बताओ क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक इन टू सिमेट्रिक क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पर क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक इन टू सिमेट्रिक क्या आएगा एंड, और भाई एंटी सिमेट्रिक इन टू एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो मैं ये नहीं बोल सकता, तो भाई तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि इनमें से कौन कौन से भाई साई वन साई टू साई थ्री एंड साई एट, ये तो सिमेट्रिक ही आ गए भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है ही नहीं, इनको तुम क्या कर सकते हैं सिरे से डिस्कार्ड। अरे बोलो भाई इन्हीं आप क्या करो सिंपली हटा दो यहाँ से, क्यों भाई ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये तो आए ही क्या है
नहीं बात आपको पहले पढ़ी भाई। अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये तो सिमेट्रिक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे और इससे तो क्या आएगी, सिमेट्रिक वो तो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी क्या आएगी, सिमेट्रिक वो भी गया भाई। तो हमारे पास 8 में से सिर्फ कितने फंक्शन बच गए हमारे पास बताओ, हमारे पास सिर्फ भाई फंक्शन बचे बताओ कौन 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 से, हमारे पास हो गए भाई साई 8 भी गया और साई 1, 2, 3 भी गई, यानी हमारे पास सिर्फ बताओ क्या बच गए भाई, हमारे पास सिर्फ 4 क्या बच गए, वैलिड फंक्शन, इजंट इट, हमारे पास सिर्फ क्या गया भाई 4 वैलिड फंक्शन। नहीं है मैं आपको भाई बताओ, तो बताओ वो 4 भाई वैलिड फंक्शन कौन कौन से बताइयो, देखो अरे बोलो भाई साई 4, देखो यहां पर भाई साई 1 साई 2 साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ये भी आया क्या, मैंने यहां पर अभी शो कर था, पर ये कोई बात नहीं, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6 साई 7 साई 8, तो साई 8 बताओ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, साई 1, 2, साई 2, 3 क्या हो गई बताओ कौन, साई 4 साई 5 साई 6 और साई 7, हमारे पास बच गए सिर्फ और सिर्फ बताओ कितने, तो आप ये बताओ साई 1 कौन सा आएगा आपका, नहीं सॉरी कौन सा है, साई 1 साई 2 साई 3 है ना, कौन सा साई 4 बचा, एक तो बताओ साई 4 कौन सा आपके पास, साई 4 क्या था आपका, साई 4 क्या बना था, नहीं साई 4 जॉइंट सिमेट्रिक, तो 4 आपके पास एंटी सिमेट्रिक बचे हुए हैं वो कौन कौन से बताओ भाई, भैया था ये था हमारे पास मतलब, हाँ हाँ अरे भैया था हमारे पास रूट 2 बाई ए, नहीं अरे क्या था ये 5 1 1 है ना 5 2 2 प्लस फिर क्या था 5 1 2 एंड 5 2 1, ये था ना हमारे पास भाई, ये तो क्या था स्पेस पार्ट, तो साई 4 गए तो क्या हमारे पास स्पेस पार्ट भाई, साई 4 का ये तो मेरे पास क्या है स्पेस पार्ट, और इसका स्पिन पार्ट बताओ मेरे पास क्या है, माइनस बीटा 1, इजंट इट, ये मेरे पास क्या बचा हुआ साई 4, इजंट इट, और साई 5 मेरे पास क्या बचा हुआ बताओ भाई, बताओ ये क्या बचा हुआ है 5 1 1 5 2 2 माइनस है ना यहाँ पर भाई, वो तो क्या है मेरे पास फिर ये 5 1 2 एंड 5 2 1, और ये था भाई अल्फा 1 अल्फा 2, ये था भाई एंटी सिमेट्रिक, ये तो पार्ट क्या हो गया एंटी सिमेट्रिक, ये पार्ट कौन सा है सिमेट्रिक, मल्टी आंसर क्या भाई ये एंटी सिमेट्रिक है। अरे भैया आप 8 में से साई 1 और साई साई 1 2 3 और साई 8 तो क्या हो गया सिमेट्रिक होने से क्या हो गया गायब हो गए भाई, बचे कौन से साई 4 साई 5 साई 6 और साई 7, तो मैं साई 4 में ही लिख दिया है, साई 5 आपका ये था ना, अब साई 6 क्या बताओ, साई 6 क्या बताओ 5 1 1 5 2 2 माइनस 5 1 2 5 2 1 सॉरी हाँ बीटा 1 बीटा 2 और साई 7 हमारे पास क्या बताओ भाई, तो साई 7 क्या है, ये तो 5 1 1 5 2 2 माइनस 5 1 2 5 2 1 और ये क्या है हमारा एंटी सिमेट्रिक है, तो वाला पार्ट क्या है सिमेट्रिक, कौन सा बताओ भाई अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1, आप चेक कर लो भाई यहाँ से, ये साई 4 साई 5 साई 6 साई 7 आपके पास ये मिलेंगे, देखो आपको मैच करो इनको आप, साई 4 मिल गया ना, साई 5 साई 6 साई 7 मिल गया आपको ये, अरे कितना आसान तो था, अरे भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये तो आपके पास क्या है दो स्पेस फंक्शन, स्पेस फंक्शन फर्स्ट स्पेस फंक्शन सेकंड, ये आपके पास क्या 4 स्पिन फंक्शन, अरे भाई इन चारों स्पिन आपस में मल्टीप्लाई कर लो, पहले स्पेस फंक्शन को इन चारों से मल्टीप्लाई करके 4 फंक्शन तैयार कर लिए, दूसरे स्पेस फंक्शन को इन चारों से मल्टीप्लाई करके 4 फंक्शन तैयार कर लिए,
टोटल फंक्शन हमारे पास कितने आ गए? आठ, इजंट इट। अब इन आठ में से आपको भी साफ साफ नजर आ रहा है कि साई वन सिमेट्रिक है, साई टू सिमेट्रिक है, साई थ्री सिमेट्रिक आएगा और साई एट क्या आएगा? सिमेट्रिक। तो ये तो क्या हो गए? ये तो वैसे ही क्या है? अनएक्सेप्टेबल। ये तो गए भाई, बचे किन से? कितने आपके पास? साई फोर, साई फाइव, साई सिक्स, साई सेवन। और मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए साई फोर, साई फाइव, साई सिक्स, साई सेवन यहाँ पर लिखे हुए ना, इजंट इट। अभी तक मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या माने, सॉरी दोनों के मैंने फाइव वन फाइव टू मैंने क्या माने, अलग अलग ऑर्बिटल्स। अभी तक मैंने फाइव वन फाइव टू क्या माने भाई? इनको आप नॉर्मलाइज कर सकते हो वैसे, अरे वन बाई रूट टू से क्या हो जाएंगे ये नॉर्मलाइज, वन बाई रूट टू से क्या हो जाएंगे ये नॉर्मलाइज, ठीक है बात। लेकिन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि अभी तक मैंने क्या माना कि पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्या है? फाइव वन। यानी अभी तक मैंने क्या माना? दोनों कहाँ रहते हैं? अलग अलग ऑर्बिटल्स में। दोनों कहाँ रहते हैं? अलग अलग। पहला कहाँ रहता फाइव, दूसरा कहाँ रहता फाइव टू में। लेकिन मैं कहूँगी फाइव वन भी वन एस है। अगर मैं क्या बोलूँ, फाइव वन भी क्या है? वन एस। और फाइव टू भी क्या है? वन एस। तो यहाँ भी जब मैं क्या रखूँगा? वन एस वन एस वन एस वन एस। तो डिफरेंस क्या है इसका भाई? सोचो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे आप यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना। एक काम करो, साई फोर, साई फाइव, साई सिक्स, साई सेवन, इनको आप फर्दर क्या कर लो भाई? अरे भाई आप इनको नॉर्मलाइज भी कर लो, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू हो गया ना नॉर्मलाइज यहाँ से। अरे भाई स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट दोनों मैंने क्या कर लिए हैं? नॉर्मलाइज। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मतलब वन बाई रूट टू यहाँ पर है, वन बाई रूट टू यहाँ भी है, वन बाई रूट टू यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल फाइव वन ना है, और मतलब भाई फाइव वन भी क्या है? वन एस। और फाइव टू भी क्या है? वन एस। तो यहाँ भी क्या आएगा? वन एस वन एस। अरे वन एस वन एस वन एस वन एस वन एस वन एस। तो भाई वन एस इंटू वन एस में सब क्या घटा रहे हो? वन एस इंटू वन एस। तो ये पूरा पोर्शन, तो स्पेस पार्ट क्या कर जाएगा? कोलैप्स नहीं कर जाएगा क्या आपको ये भाई? हाँ यहाँ ये कोलैप्स नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर क्या हो रही है आपस में? ये ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये मानूँ कि देखो इस बात को प्रूव करने का भाई, कि आप ये मानो, अब ये मानो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में रहते हैं। कहाँ रहते भाई? समझे बात हुई? मतलब वो एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना चाहते हैं भाई वो, ठीक है। तो फाइव वन भी क्या मान लो? वन एस। फाइव टू भी क्या मान लो? वन एस। तो वन एस वन एस, तो वन एस इंटू वन एस माइनस वन एस इंटू वन एस क्या आएगा? जीरो। वन एस इंटू वन एस माइनस वन एस इंटू वन एस क्या आएगा? जीरो। तो उन तीनों का स्पेस पार्ट क्या बन जाएंगे? वन एस की मल्टीप्लाई में से आप क्या घटाओ? वन एस की मल्टीप्लाई जीरो आएगा भाई। तो तीनों पार्ट क्या कर जाएंगे? कोलैप्स। ये तीनों पार्ट क्या करेंगे भाई? खत्म हो गए भाई, जीरो हो गए, खत्म हो गए पूरी तरह। ये इजंट इट? अरे बोलो भाई। अब और बताओ भाई, अब बताओ क्या हमारे पास? तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है? सिर्फ उन आठ में से शॉर्ट लिस्ट हो गए, सिर्फ कौन रहेगा भाई? साई फोर। यानी कि ये फंक्शन क्या बता रहा है भाई? बताओ, यानी कि ये फंक्शन बताओ क्या बता रहा है? अरे बोलो भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स के एक ही ऑर्बिटल में रहने का तरीका, ये किसका फंक्शन हो गया भाई हमारे पास? ये हमारे पास किसका फंक्शन हो गया भाई? वन एस स्क्वेयर का। किसका भाई? वन एस स्क्वेयर। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है? वन एस ऑर्बिटल में। नहीं बता आपको पहले भाई, नहीं बेटा आपको ये नहीं आया क्या? नहीं आया बताओ बेटा, वहां पर आप ही बताओ। अभी मैंने मिटा दिया आप, लेकिन यहां पर देखो कोलैप्स इसलिए किया, आप यहां पर देखो ये क्या है? साई फाइव, साई सिक्स, साई सेवन आपको नजर आते हैं। तो यहां पर फाइव वन भी वन एस हो और फाइव टू भी क्या होता? वन एस। मतलब पहला भी कहां है? वन एस में। दूसरा भी कहां है? तो वन एस की मल्टीप्लाई में सब क्या करो? वन एस की मल्टीप्लाई माइनस करियो। समझे बात? आठ में से आठ माइनस करो तो ये जीरो हो गया। तो स्पिन पार्ट कुछ भी हो भाई, फिर भाई क्या आंसर आपका? थोड़े तीनों फंक्शन क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर, खत्म हो गए। तो सिर्फ आपके पास
सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा है? साई फोर। साई फोर मैंने यहां पर लिखा हुआ है भाई, इजंट इट? अरे भाई साई फोर मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? तो आप मुझे बताओ, तो ये तो क्या है? तो देखो हीलियम एटम का ही तो क्या हो गया, स्पेस पार्ट। हीलियम एटम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2। क्या होगा? 1s2, isn't it? तो उसका बताओ, उसका भाई उसका ये क्या होगा? हमारे पास कंप्लीट वेव फंक्शन आ गया। हमारे पास क्या गया? हमारे पास ये कंप्लीट वेव फंक्शन आया किसके लिए? हीलियम एटम के लिए। नहीं समझे बात? और आपको साफ दिख रहा है भाई, ये तो क्या बता रहा उसका स्पेस पार्ट, ये क्या बता उसका भाई स्पिन पार्ट। अब आप स्पिन पार्ट को ध्यान से देखो, क्योंकि स्पेस पार्ट क्या है? सिमेट्रिक। और स्पिन पार्ट क्या है? आपसे कई बातें पूछ सकता है भाई, बताओ इसमें क्या बोलते हैं, स्पेस पार्ट कैसा होगा? सिमेट्रिक। स्पिन पार्ट कैसा होगा? एंटीसिमेट्रिक। स्पिन पार्ट एंटीसिमेट्रिक है ना। और यहां पर देखो भाई, इसमें जो स्पिन है वो सेम स्पिन वाला केस था कि भाई अपने आप ही क्या है ये? यानी जब आपने एक ऑर्बिटल में रख दिया 1s 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 1s, यहां पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो स्पिन पार्ट क्या है ये? अगर यहां पर क्या था α1 α2, तो हम क्या बोलते कि एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अगर यहां पर दोनों क्या आते भाई, β1 β2 होता, तुम क्या बोलता कि एक ऑर्बिटल में क्या आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अगर इनमें से कौन सा बचता भाई, अगर इन आठ फंक्शंस में से कौन सा बचता? अगर ये वाला बचता तो यहां पर ये वाला साई फाइव बचत मान लिया, तुम क्या बोलते भाई? बचता नहीं है, लेकिन अगर साई फाइव बच जाता तो पावली प्रिंसिपल क्या होता पता है कि एक ऑर्बिटल में क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। लेकिन भाई बचा ही नहीं भाई, बचा कौन सा है बोलो भाई? साई फोर, जिसमें स्पिन पार्ट कैसा है? एंटीसिमेट्रिक। और ये किससे बना था? ये किस पॉसिबिलिटी से आया था? जब सीता क्लोकवाइज और गीता, मतलब उनकी स्पिन क्या है? उल्टी भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट हैव अ पॉजिटिव स्पिन। प्रूव हो गया आपको ये? भाई स्पिन पार्ट में अपने आप कोना रखा है, खुद देखो यहाँ पर α1 α2 की मल्टीप्लाई नहीं आई, यहाँ पर β1 β2 की मल्टीप्लाई नहीं आई। नहीं समझे बात? तो आपसे कई बातें पूछ सकता भाई। एक तो इसने प्रूव कर दिया, एक इसने प्रूव कर दिया भाई कि जो स्पिन पार्ट है क्या भाई, अरे और इसने क्या प्रूव कर दिया कि स्पेस पार्ट कैसा होगा? हमेशा बोलो भाई, स्पेस पार्ट कैसा होगा? सिमेट्रिक। और स्पिन पार्ट कैसा होगा? एंटीसिमेट्रिक। आपसे पूछ ले कोई, आ गया नहीं आपको ये? पहले पढ़ गए आपको ये? ठीक, क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर। अब क्या क्वेश्चन बताओ? द स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिफाइनिंग स्पिन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। ये कहता है हीलियम की ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या, यानी कि हीलियम का भाई कॉन्फिगरेशन क्या होता है बताओ? 1s2 होता है ना हीलियम का। तो कहता है हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होएगा, समझे बात? यहां से आप एक तरह से आपको आइडिया आ गया कि आगे ही नहीं है, इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाए जाएंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, उनके वेव फंक्शंस कैसे लिखते हैं। क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन? यहां पर तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, आगे आपको भाई 10 20 40 40 इलेक्ट्रॉन वाले आपने फंक्शन लिखने आने चाहिए भाई। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो बताओ, तो 1s2 कॉन्फिगरेशन के लिए कौन सा फंक्शन होता है ना? 1s2 कॉन्फिगरेशन भाई, 1s2 कॉन्फिगरेशन किसका होता है? हीलियम का होता है ना। तो हीलियम का टोटल वेव फंक्शन कौन सा होगा बताओ? टोटल वेव फंक्शन शुड ऑलवेज बी एंटीसिमेट्रिक। भाई फर्मियोन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फर्मियोन्स। फंक्शन क्या होना चाहिए? एंटीसिमेट्रिक। क्या ये फंक्शन एंटीसिमेट्रिक नहीं है क्या? सिमेट्रिक पार्ट, एंटीसिमेट्रिक पार्ट। बताओ बताओ भाई। तो बताओ क्वेश्चन क्या है कि बताओ 1s2 हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कौन सा होगा? हीलियम एटम का, हाइड्रोजन एटम नहीं या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन क्या होता था? एक होता था, और वो जिसमें था वही क्या था उसका वेव फंक्शन? बोलो भाई। लेकिन यहां पर क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाई, ठीक है। तो हीलियम एटम का वेव फंक्शन क्या होगा? ये वाला, isn't it? बताओ इसमें पूछा क्या था? लेकिन बताओ स्पेस पार्ट कैसा होगा? स्पेस पार्ट लिख के दिखाओ। सिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक या जीरो, बताओ क्या होगा? सिमेट्रिक। कैसे मालूम पड़ा भाई? हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम का, सॉरी
हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये होता है ना, हमको पता ही है क्या इसका स्पिन पार्ट, ये क्या इसका स्पेस पार्ट। स्पिन पार्ट अगर क्या है और हमको पता हो तो ये क्या है भाई, सिमेट्रिक है, पता होगा ना आपको भाई, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वायलेट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बताओ भाई। 1s2 ट्रिपलेट क्या कहता है ये बताओ में से कौन सा सिस्टम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता है भाई, बताओ इनमें से कौन सा सिस्टम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता है, क्या क्या बोला बताइए भाई, बताओ। 1s2 है ट्रिपलेट, क्या कहता है 1s2 है ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है, और बताओ फिर क्या बोलता है बी, क्या है 1s2 2s1 डबलेट, 1s2 2s1 डबलेट, ठीक है बात, 1s2 सिंगलेट, 1s2 सिंगलेट में है, ठीक है, और क्या भाई 1s1 2s1 ट्रिपलेट, बताओ भाई 1s1 2s1 क्या है ट्रिपलेट, बताओ इनमें से कौन सा पाउली प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, मतलब मुझे 1s में भरना है ट्रिपलेट, मुझे 1s क्लाउड बनाना है लेकिन ट्रिपलेट के साथ, बताओ कैसे बनेगा, तो मैंने भाई क्या किया 1s में दो भर दिए, ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों क्या करने पड़ेंगे भाई पैरेलल, अरे बोलो भाई। दूसरा क्या है 1s2 2s1 डबलेट, डबलेट का मतलब क्या है, स्पिन क्या होनी चाहिए हाफ, अरे बताओ ना कोई मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1 क्या होती है मल्टीप्लिसिटी, नहीं समझे बात, तो अगर स्पिन क्या होगी जीरो तो क्या आएगा वन, अरे भाई अगर स्पिन क्या होगी जीरो तो 2s+1 क्या आएगा, अगर स्पिन क्या हुई हाफ तो 2 आएगा, अगर स्पिन क्या हुई 1 तो क्या आएगा ये ट्रिपलेट, अगर स्पिन क्या हुई बताओ भाई, अरे भाई 3/2 हुई तो क्या आएगा ये क्वार्टरेट, बताओ ना आपको ये, बताओ फिर क्या आएगा, तो 1s2 ट्रिपलेट हो सकता है क्या, 1s2 ट्रिपलेट बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों पैरेलल करने पड़ेंगे, बन तो गया ट्रिपलेट, 1s2 कॉन्फ्यूजन है और क्या है ट्रिपलेट स्पिन स्टेट है, लेकिन क्या ये बताओ एक्सेप्टेबल है नहीं, एक इसको वॉलेट करे पाउली प्रिंसिपल को, ये वैलिड नहीं है, ऑप्शन आ गया भाई। अच्छा ये बताओ ये ठीक है, ये 1s2 2s1 डबलेट हो सकता है क्या, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं, 1s में 2 भर दो, 2s में 1 भर दो, ठीक तो है, बताओ क्या 1s2 सिंगलेट पॉसिबल है, ये तो हमको पता है, तो हमने बनाया था भाई सिंगलेट, बताओ क्या 1s1 2s1 1s2 ट्रिपलेट पॉसिबल, लेकिन क्या 1s1 2s लेकिन क्या भाई 1s1 2s1 ट्रिपलेट पॉसिबल है क्या, बिल्कुल कैसे भाई, एक 1s में और एक कहां पर भाई 2s में पैरेलल कर दो, मैंने पाउली प्रिंसिपल में वॉलेट नहीं किया है, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।